मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो। हुनरबाज तैयार हैं आप? राहें मिलेंगी तुमको हर दम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले आ कर ले तू आगाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। BA किया है, MA किया, लगता है वो भी MA किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मशहूर फिल्म मेरे अपने का गुलजार साहब द्वारा लिखित ये गाना आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस समय था, क्यों सिद्धार्थ जी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही आयरोनिकल सैटायर से भरा हुआ है ये गाना। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर हाल चाल ठीक ठाक है। आपको तो पता है रेणुका जी, 70s 80s के दशक में BA और MA की डिग्री हासिल करने के बाद हमारा हीरो फिल्म में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। अरे कैसे नहीं याद होगा, हर दूसरी फिल्म में माँ मुझे नौकरी मिल गई हीरो की तो फेवरेट लाइन हुआ करती थी। मुद्दा भी यही कुछ ऐसा है, हम प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पा तो लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि MA और BA की डिग्री आपको नौकरी दिलवा दे। अगर डिग्री के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी ली जाए तो आपके हुनर को पहचान मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अच्छा हो कि साथ साथ ब्यूटिशियन या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग या फिर कोई और स्किल्ड वर्क की अगर ट्रेनिंग ले तो आपका तो एक कमाई का जरिया शुरू हो सकता है। आज के एपिसोड में होंगी बातें चमचमाते ज्वेलरी के हुनर की। अगर 10वीं पास है और आगे कोई करियर देखना चाहते हैं तो ये करियर उनके लिए बहुत ही एक अमूल्य अवसर है। जानिए आप भी कैसे हो सकते हैं वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन का हिस्सा और कौन मारेगा हुनर की बाजी। इस ऑयल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हेलो हाय, मैं हूं सनी। और मैं हूं प्रिंसी। एंड वेलकम टू अवर शो हुनरबाज स्किल टू विन। क्या हो प्रिंसी, सब ठीक है ना? तुमने कुछ नोटिस किया? नोटिस? हाँ। क्या नोटिस करना है? मुझे मालूम था सनी, मैंने ये नए सुंदर कंगन पहने हैं और तुमने एक बार इनकी तरफ देखा भी नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज मत हो यार। अब ये छोटी सी बात है। ओ यार, ये तुम लड़की हो ना, और लड़कियों के लिए कभी छोटी सी बात हो ही नहीं सकती। सनी, आई एम श्योर कि तुम्हें नहीं पता होगा कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर में हमारे देश की कई सारी महिलाओं ने अपनी बेशकीमती ज्वेलरी इंडियन आर्मी के नेशनल डिफेंस फंड को दी थी, जिससे हमारी आर्मी को जंग लड़ने में बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी। वाओ यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। और इनफैक्ट तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, मुझे ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग चीज लगती है। बिल्कुल, और उससे जुड़ी ज्वेलरी इंडस्ट्री भी। ज्वेलरी, आभूषण, गहने और जेवर एक ही चीज के हैं चार नाम। सही भी है, क्योंकि ये ज्वेलरी किसी की भी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। शुरू से ही हमारे इंडियन कल्चर में आभूषणों को एक खास स्थान दिया गया है, चाहे वो महाभारत का युग हो या मुगल बादशाहों का जमाना, त्योहार हो, शादी हो या फिर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन, इन सभी में गहने एक खास भूमिका अदा करते हैं। ठीक उसी तरह ज्वेलरी सेक्टर ने भी पिछले कुछ सालों में हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ी खूबसूरती के साथ मजबूती दी है। 20% के आसपास रेवेन्यू जो है, नेशनल रेवेन्यू, वो जेम एंड ज्वेलरी पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्री काफी बड़ी साइज है। मोटा
मौजूदा वक्त में इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही चीजों में 14% का हिस्सा अकेले ज्वेलरी सेक्टर का है, जिसकी बदौलत लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सिर्फ सोने चांदी के गहने ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में तराशे हुए डायमंड्स के कदरदान आज दुनिया के हर कोने में हैं। कट एंड पॉलिश डायमंड्स के हिसाब से हम विश्व में प्रथम नंबर पर हैं। हीरे की कटिंग बाल से भी ज्यादा बारीक होती है और ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। एक छोटा सा गलत कट हीरे की वैल्यू गिरा सकता है, इसलिए इसकी कटिंग पॉलिशिंग से लेकर सेटिंग तक के लिए जरूरत है स्किल्ड हुनरमंद लोगों की, जो हीरे को उसकी सही पहचान देते हैं और अपने स्किल से एक पत्थर को बनाते हैं हीरा। आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया में चमकने वाले 95% हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग करके हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इससे जुड़े सभी हुनरबाजों के भविष्य को भी चमका रहा है। ये इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से अगर ग्रोथ देखे तो 15% से ग्रो होते जा रही है। 2022 तक करीबन 80 लाख लोग इस क्षेत्र में जुड़े रहेंगे और अगर 80 लाख लोग हैं और करंटली हमारे पास सिर्फ 45 लाख लोग अगर काम करते हैं इस क्षेत्र से, तो 35 लाख लोग नए लोगों की हमें ज़रूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप जैसे युवाओं के लिए इस सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जो सिर्फ पुश्तैनी रूप से काम करने वाले नहीं पूरा कर सकते, जिसकी वजह से इस सेक्टर में स्किल्ड और क्रिएटिव लोगों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को 5 सेक्टर में बांटा गया है। ये 5 सेक्टर है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, दूसरा सिमिलरली जेमस्टोन, तीसरा सब सेक्टर है हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, चौथा सेक्टर है जेम सेट और कास्ट और डायमंड सेट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा क्षेत्र जहां सब अक्यूमुलेट हो जाता है वो है ज्वेलरी रिटेल। आप ज्वेलरी डिजाइनर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, वैल्यू इंजीनियर हो सकते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, जहां जहां तक आप जाना चाहें विशेष उसमें इसमें जगह है। अगर 10वीं पास है और आगे कोई करियर देखना चाहते हैं तो ये करियर उनके लिए बहुत ही एक अमूल्य अवसर है, जिसमें यदि औजारों की भाषा आती है तो दूसरी कोई भाषा बोलना भी आवश्यक नहीं है। तो 12-15 हज़ार से शुरू होके आगे स्काई इज द लिमिट। जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया इस फील्ड के हुनरबाजों को तैयार करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर प्रशिक्षण दे रही है और इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले हुनरबाजों के स्किल को सवारने का काम कर रहा है IIGJ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि NSDC पार्टनर है, जहां ज्वेलरी सेक्टर की बदलती हुई ग्लोबल डिमांड्स को देखकर ज्वेलरी डिजाइन, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, मॉडल मेकिंग, रबर मोल्ड मेकिंग जैसे एडवांस्ड कोर्स कराए जा रहे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा मशीनरी का उपयोग होता है, तो प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो ज्यादा हम ज्वेलरी में देते हैं। पहले ज्वेलरी को बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कुछ खास औजारों की मदद से बनाया जाता था, पर आज ये सेक्टर बहुत ही हाईटेक हो गया है। अब एडवांस टेक्निक और नई मशीनों के जरिए ज्वेलरी मेकिंग की जा रही है और इसके लिए जरूरी है वेल ट्रेन्ड स्किल्ड लोगों की। डायमंड इंडस्ट्री में भी कई कई नए मशीन आते हैं बड़े हीरे तराशने के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत सूटेबल सेक्टर है, क्योंकि वुमेन ट्रेनिंग होने के बाद घर में बैठे काम कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकती हैं, एक स्मॉल स्केल लेवल पे अपने ज्वेलरी घर में ही बना के एक एग्जीबिशन करके दे सकती हैं। यही वजह है कि आज लड़के ही नहीं बल्कि हुनरमंद लड़कियां भी बड़े पैमाने पर इस सेक्टर से जुड़ रही हैं और अब महिलाएं सिर्फ ज्वेलरी पहनकर ही अपनी सुंदरता नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि ज्वेलरी मेकिंग से जुड़कर अपने जीवन को भी सुंदर बना रही हैं। जिस क्षेत्र में आपका लगाव है उस क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है और अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें तो हम आपको ओपन आर्म्स में वेलकम करेंगे। ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर तो तैयार है आप जैसे नए हुनरमंद लोगों का इस्तकबाल करने के लिए।
बस देर है तो आपका एक कदम इस तरफ बढ़ाने की। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की चमकती हुई हुनरबाजी की तरफ। वो कहते हैं ना कि हीरा है हीरा। हुनर की पहचान को संबोधित करने के लिए भी जेम की जरूरत होती है। ऐसे ही स्किल को पहचान दिलाने में मदद करता है IIGJ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक टास्क, लेकिन इससे पहले कि हम टास्क की तरफ बढ़े, चलिए जानते हैं हमारे हुनरबाजों के बारे में। जीत की इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं बुलंद इरादों के साथ तंजुल, निहारिका, शिव, धवल, अंकिता और शर्वरी। तो ये है हमारे आज के टास्क के हुनरबाज। आज का इनका टास्क है पेंडेंट बनाना। पेंडेंट बनाने के इस टास्क में सभी 6 कंटेस्टेंट्स को ब्रास का ब्लेंड दिया जाएगा। पेंडेंट दी गई डिजाइन के मुताबिक बनना चाहिए। इस टास्क को सिर्फ 3 घंटे की समय सीमा के अंदर पूरा करना है, वो भी इन 4 खास विधाओं का उपयोग करके। छेदन, ताड़न, तापन, घर्षण, और ये सब होगा हमारे मेंटर IIGJ के हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग श्री उत्तम दास जी की पारखी नजर के सामने। तो आपका समय शुरू होता है अब। सर ये क्या हो रहा है? ये मेटल का पीस है, उसको एकदम फ्लैट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये फ्लैट नहीं होगा तो प्लानिंग और मार्किंग सही नहीं होगी। मेटल को फ्लैट करना इसलिए जरूरी होता है जिससे बनने वाले डिजाइन का प्लान मेटल पर सही ढंग से उतर सके और उसको काटने के लिए सही मार्किंग हो सके। कांटे की टक्कर में शिव और निहारिका बाकी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए प्लानिंग और मार्किंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तंजुल भी दोनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही है। निहारिका इस वक्त इस प्रोसेस में आगे चल रही है और अब वो सॉइंग करने जा रही है। लेकिन ये क्या, अंकिता बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले पीछे चल रही है। निहारिका के बाद बारी बारी सभी कंटेस्टेंट्स ने सॉइंग का काम शुरू कर दिया। मेटल के टुकड़े पर पेंडेंट का दिलकश डिजाइन बनाने के लिए सॉइंग और पियर्सिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मिनी कटर के जरिए बहुत ही बारीकी से डिजाइन की कटिंग करनी होती है और इस वक्त हमारे हुनरबाज इस प्रोसेस में बिजी हैं। पर इन सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि डिजाइन में हुई छोटी सी गलत कटिंग इनका इस कॉम्पिटिशन से कट ऑफ कर सकती है। अंकिता इस वक्त पेंडेंट का ऊपरी हिस्सा बना रही है, ये क्या तुम्हारी कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप सबसे अलग कुछ कर रही है इस वक्त? हाँ, आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बेल लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। okay. तो इसलिए मैं बेल पहले बना रही हूँ और सौ में बाद में कर सकती हूँ। अरे वाह, शिव और निहारिका तो अपने अपने पेंडेंट की फाइलिंग करके फुर्ती से उसकी कटिंग की रफनेस को फिनिशिंग देने में बिजी है। पर इनसे भी एक कदम आगे हैं तंजुल और धवल, जो कि फाइलिंग के बाद अब डैपिंग से अपने पेंडेंट को फाइनल शेप देने पहुंच गए हैं। मगर शर्वरी और अंकिता अभी तक पियर्सिंग में ही उलझी हुई हैं। शायद वो भूल गई हैं कि इस कंपटीशन में बारीकी के साथ साथ टाइम भी मायने रखता है। धवल और तंजुल तो एक्सप्रेस रफ्तार के साथ शोल्डरिंग तक पहुँच गए हैं और इनके पीछे पीछे शिव और निहारिका भी चोलनी से अपने अपने पेंडेंट में बेल लगाने में जुट गए हैं। क्या बात है, तंजुल और धवन तो अब प्री पॉलिशिंग करने में लग गए हैं। पर दूसरी तरफ अंकिता और सर्वरी अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं और आखिरकार तंजुल, धवल, शिव और निहारिका आ गए हैं इस हुनर की बाजी के आखिरी पड़ाव पर, जहां ये चारों जुट गए हैं अपने अपने पेंडेंट को पिकल केमिकल में डुबोने में। ये केमिकल पॉलिशिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है जो चमक निखारने में मदद करता है। अरे वाह, यहाँ तो सर्वरी भी आ गई हैं अपने पेंडेंट को पॉलिश करने के लिए। शायद अपने साथियों की स्पीड को देखकर सर्वरी ने भी खुद की रफ्तार बढ़ा दी है। मगर सबसे पहले पॉलिशिंग करके अपने टास्क को पूरा कर धवल पहुँच गए हैं अपने चमकते हुए पेंडेंट को लेकर श्री उत्तम दास जी के पास। वहाँ तंजुल और शिव के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, पर आखिरी वक्त में पॉलिशिंग जल्दी कंप्लीट करके शिव ने तंजुल को पीछे छोड़ दिया है।
अब बारी बारी सब अपने बनाए हुए खूबसूरत पेंडेंट को लेकर पहुंच रहे हैं हमारे मेंटर के पास। ये बाजी तो यहाँ खत्म हुई, पर इस बाजी का रिजल्ट जानने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनके बनाए हुए पेंडेंट का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो देखते हैं किसका पेंडेंट सबसे ज्यादा चमक बिखेर रहा है। सर हमें बताइए कि कौन है इनमें से असली हुनरबाज। पहले हम रनर अप से शुरुआत करते हैं। वैसे मैं बोलूंगा उन्होंने टाइम पे काम किया, उन्होंने मेथड फॉलो किया, फाइलिंग में, सॉइंग में, पॉलिशिंग में, प्री पॉलिशिंग में, हर एक जगह पे उन्होंने ध्यान दिया, वो मुझे दिख रहा है। शिव चंदन। तो अब बारी है ये जानने की कि कौन बनता है इस कंपटीशन का सबसे बड़ा हुनरबाज। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है मिस्टर धवल ढूंढा। इस टास्क के सभी पैरामीटर्स को बखूबी पूरा किया धवल ने और बन गए इस टास्क के सबसे बड़े हुनरबाज। और हम कामना करते हैं कि धवल भविष्य में ऐसे कई और कॉम्पिटिशन जीते। मुझे पता है प्रिंसी, तुम मेरी बात को गौर से नहीं सुनती हो। आई एम ग्लैड सनी कि तुम्हें कुछ तो पता है। अच्छा, पर इस बात को तुम्हें गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। अच्छा, ऐसी कौन सी बात होने वाली है? बहुत ही प्रेशियस बात है ये, हुनर की बात। शैना जी, आपको क्वीन ऑफ ड्रेप्स कहते हैं। आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं फॉर द फास्टेस्ट ड्रेपिंग ऑफ अ साड़ी, कुछ 12 सेकंड में। 12 सेकंड में फैशन डिजाइनर के साथ साथ आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन एक नया पहलू आप अब निभाने लगे हैं, और वो है ज्वेलरी का डिजाइन। आप मुझे बताइए कि ज्वेलरी के डिज़ाइन में ड्रेस के डिज़ाइन के अलावा कुछ डिफरेंट टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है? जहाँ तक ज्वेलरी डिज़ाइन का आप देखें तो दो एस्पेक्ट्स हैं जी। एक है वो कारीगर जो बनाता है जी, एक है वो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है, और तीसरे तरफ आप देखने जाओ तो ये मार्केटिंग, जहाँ आप ये डिस्प्ले करते हैं और आप बेचते हैं जी। लेकिन ये पूरा ड्रीम को एनविसाज करने के लिए सबसे अहम भूमिका है तो वो है कारीगर का जी। और वो कारीगर जो साल साल लगातार डायमंड्स के साथ, विलंदीज के साथ, पुलकी के साथ बैठ के बारीकी से देखते हैं कि ये एमरल्ड यहाँ कैसे बैठे और उसको मोल्ड कैसे करना है, तो आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वीव एंड पुट टुगेदर द एंटायर। मतलब आपको कहना है कि कारीगर की डिज़ाइन सेंसिबिलिटी भी है? बिल्कुल। सुनील एंड किरण दातवानी का जो गहना है, वहाँ बहुत सारे कारीगर काम करते हैं। वो कारीगर में जो काबिलियत है कि वो देख सकें कि कैसे एक स्टोन को बिठाएं, उसमें फिनिश आए, फिनिश के साथ इनसर्कलिंग, दैट टैलेंट इज इंटायरली द आर्टिजन्स। क्योंकि जो आपको ये सफाई न मिले तो शायद कोई ग्राहक खरीदे ही नहीं जी। ये जो ट्रेड जो है, ये एक तरह का फ्रॉम फादर टू सन, ये किस तरह से ये ट्रेड जो है बनती है, ये कौन सिखाता है? इंस्टीट्यूशंस हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिखाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को तो जानता है कि जो इतना इन्वेस्ट करना है, मुंबई में प्रॉपर्टी लेना है, दुकान खोलना है, बेचना है, तो यू हैव टू हैव अ बिजनेस माइंड एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि कारीगर जो है बहुत ही क्रिएटिव रहता है जी, लेकिन उनको बेचना नहीं आता है जी। जो आप मुझे पूछें तो मैं साड़ी बना सकती हूँ, लेकिन बेचना कोई और करता है जी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस टैंडम। और जब आप कोई भी बिजनेस, और ख़ास तौर से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ज्वेलरी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उनको ये सोचना है कि एक डिज़ाइन सेंसिबिलिटी, एक क्राफ्टमैनशिप और एक है मार्केटिंग। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन, जो तालमेल, जो आप सही ढंग से समझ सको तो आप सक्सेसफुल जरूर रहे। कारीगर को कितनी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? ये विवाद का मुद्दा बन चुका है, जहाँ देश में हम चर्चा करते हैं कि किसी को डॉक्टर, लॉयर, यू नो, जर्नलिस्ट बनना है, और वो सब डिग्रीज के माध्यम से। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, जहाँ आप देखेंगे कि कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई मेहंदी कर रहा है, कोई यू नो, देयर सो मेनी एवेन्यूज ओपन जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो
हमारी ये कोशिश है कि ये सभी मीडियम्स, फैशन हो, ज्वेलरी हो, इसके अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड आई थिंक वी एज अ कंट्री नीड टू एक्सप्लोर इट. हम कैसे अपने आप को गारंटी कर सकते हैं कि जो वर्कर्स जो आ रहे हैं, जो कारीगर जो काम कर रहे हैं, वो हाईएस्ट लेवल के हों या उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद बहुत ही होनहार होते रहें, बनते रहें. मैं सोचती हूँ कि गए वो ज़माने जहाँ आप सोच सकते हैं कि कोई मैगज़ीन खोलो और यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ. लोगों को सब कुछ पता है, एवरीवन वांट्स इनोवेशन. कंपटीशन और वो इनोवेशन मैं आपको दो तीन डिज़ाइंस में दिखाऊंगी आप. चलिए. आपकी बनी हुई है जी या यहाँ के डिजाइन से? अभी इसमें आप देखें कि कितने ढंग के टेक्निक्स इस्तेमाल किया है जी. हमेशा जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, जो आपने पोल की इस्तेमाल किया है तो सिर्फ पोल की. यहाँ पर्ल्स के साथ द एंट्वाइंड लुक, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जिस ढंग से एलिफेंट्स को इस्तेमाल किया है, यहाँ आप देखेंगे कि बारीकी से कार्व्ड नेटिंग इफेक्ट है. और फिर उसके ऊपर विलंदी बिठा के हाईलाइट के लिए थोड़ा रूबी का टच दिया है यहाँ आँखों में. तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट. ये जो बंगड़ी बनती है, बैंगल्स आर नॉर्मली लाइक दिस, बट विद दीज एक्सटेंडेड डायमंड्स इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक. ट्रूली. एंड वी मिक्स डायमंड विद विलंदी सो इट बिकम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. इफ यू सी इवन द वे वी हैव स्ट्रंग दिस पेंडेंट विद पर्ल्स, वेरी एलिगेंट. A lot of times जब आप पहनते हो जो सही ढंग से बैठता नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है. जब आप भारी भारी ईयरिंग्स पहनते हो और वो कान पे बैठता नहीं है और लटकता है, इसमें जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है. और इससे पहले और भी ज़रूरी है कि जो कारीगर जो इतना परफेक्ट काम कर रहा है, अगर इस तरह की परफेक्शन नहीं आएगी तो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं. बिल्कुल नहीं. तो ज्वेलरी के लिए आप एक कहें कि वर्कर और डिज़ाइनर का या आखिर में क्या रोल है इसको परफेक्ट. वर्कर्स और डिज़ाइनर्स का तालमेल है, सेंसिबिलिटी की आवश्यकता है. प्राइस पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, लेकिन अंत में ये सोचना है कि टाइमलेस इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा हमेशा आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन कर सकते हैं. चलिए. और जिस तरह से आप अपने जो हुनर बांट रहे हैं और अपने वर्कर्स के साथ एक्चुअली ज्वाइन करके डिज़ाइन कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. दिस इज़ अ रियल रियल रेवलेशन. थैंक यू. थैंक यू. कंग्रेचुलेशन. एक तरफ जहां शायना एनसी अपने डिज़ाइन में ट्रेडिशनल टेक्निक का प्रयोग करती हैं, वहीं जेम्स फरेरा ने गहना के लिए अपने कलेक्शन में ज्वेलरी को ही नया आयाम दिया है. What I started to do with Gehna, गहना के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन करते समय मैंने बॉडी के एक पार्ट पर ही कंसंट्रेट किया है और उसी को रोचक बनाने की कोशिश की है. गहना के लिए मैंने रिंग्स की एक ड्रीम कलेक्शन बनाई है जो एक साधारण रिंग न होकर उंगली को घेर कर नीचे की तरफ आती है या फिर अंगूठे को टच करती है या ऊपर आकर नेल्स को भी सुंदर बनाती है. उसमें एक क्लिप है जो रिंग बन जाती है. तो मैं पारंपरिक चीजों से प्रेरणा लेकर उनको आधुनिक रूप देता हूँ. ज्वेलरी चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, इन चुनौतीपूर्ण डिजाइन्स को बनाने में एक चीज कॉमन है और वो है हुनरमंद कारीगर, जो अपनी मेहनत और हुनरमंदी से किसी भी डिजाइन को तराश कर साकार करते हैं. डायमंड ज्वेलरी लेंगे अगर तो एक होता है कि जो उसका सॉकेट बनता है वो कैसे फिनिशिंग होती है, बाद में होता है उसकी सेटिंग, जो डायमंड सेटिंग होती है उसकी कैसे फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग होता है, रोडियम होता है, तो ये सब फैक्टर मिला के एक प्रोडक्ट में जो आता है जान आती है. तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है कि इसका सॉकेट मेकिंग कैसे है, इसका सेटिंग कैसे है, इसका पॉलिश कैसे है, इसका रोडियम कैसे है. अगर ये सब चीज़ें बराबर होगी तो वो चीज़ की फिनिशिंग बराबर होती है. प्रिंसी, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट करूँ तो? ऑब्वियसली बात है सनी, अच्छा ही लगेगा, लेकिन तुम मुझे गिफ्ट क्यों करोगे और वो भी ज्वेलरी? क्यों नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें अभी कर सकता हूँ. अभी? हाँ. और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस ना थोड़ा सा शर्माना होगा.
What? हाँ. शर्माना होगा. हाँ मतलब ऐसे फिल्म्स में होता है ना, घूंघट निकाल के थोड़ा सा पल्लू पकड़ के आंखें ऊपर नीचे, शर्माना. पर क्यों? क्योंकि शर्माना ही तो औरत का गहना होता है ना, तो हो गया ना, मैंने गिफ्ट दे दिया ना. सनी, I knew it. तुम और तुम्हारे ये घटिया पुराने से जोक्स और पुरानी सोच. अरे कुछ तो नया क्रिएट करो. ओ हेलो, नया क्रिएट करने के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, मुश्किल होती है उसमें. राइट, तुम्हारे लिए आसान ना सही, लेकिन MSME के हुनरमंद स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया क्रिएट करना उनके बाएं हाथ का खेल है. जिस तरह हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरह आज ज्वेलरी सिर्फ सोने चांदी या फिर मोतियों की ही नहीं होती, बल्कि बदलते वक्त के साथ ज्वेलरी सेक्टर ने बोन प्लास्टिक, स्टोन लकड़ी से बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है. इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सुंदरता किसी भी पैमाने पर सोने चांदी के आभूषणों से कम नहीं है, पर सोने चांदी के मुकाबले इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत बहुत ही मामूली होती है. यही वजह है कि इस ज्वेलरी की लागत बहुत कम होती है और इसका रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है. पर कीमत बहुत कम होने की वजह से ही इस दिलकश आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट आज बड़े बड़े शहरों में ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने अपनी चमक बनाए रखी है. और इसी तरह की ज्वेलरी बनाने वाले छोटे और मझोले कारीगरों के साथ ऐसे छोटे बिजनेस को एक्सटेंड करने में मदद कर रहा है MSME, यानी की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. MSME की मदद से गाजियाबाद के पास स्थित बानी गांव के शफीक और हिना ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है. हिना, जिनके छोटे से कद ने भी हार मान ली उनके इस बड़े हुनर के आगे. मैंने MSME से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम सीखा है, मैंने अब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ. बोन से बनने वाली इस खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बनाने का खूबसूरत हुनर शफीक को विरासत में मिला है. ये हमारे घर में ही होता था पहले से, तब हमने आँख खोली तो हमें अपने घर में यही काम दिखाई दिया, तो हमने इस काम को करना शुरू कर दिया अपने से. अब 30 साल से तकरीबन काम कर रहा हूँ. मैंने ये काम सीखा क्योंकि मैं 12th तक ही पढ़ी हुई हूँ और मेरे पास कोई आगे रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये काम चुना और इसी काम को कर मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ. पर अफसोस, आज से कुछ साल पहले तक शफीक और हीना के नायाब हुनर और मेहनत से बनी इस दिलकश बोन ज्वेलरी को मार्केट में सही दाम नहीं मिलते थे. पर MSME से जुड़ने के बाद शफीक की ज्वेलरी को सही दाम तो मिले ही, साथ ही मिला एक बड़ा मार्केट भी. MSME से हम जुड़े हैं 3 साल से, तो इन्होंने हमें बताया कि भाई आप अपने माल को ज़्यादा रेटों में, जैसे एक्सपोर्टर को देते हैं हम मिसाल के तौर पे 50 रुपये की माला, तो 50 की ना बेच के हम 70 की 75 की हम मतलब बेच सकते हैं. मैं ये काम सीखकर 2,000-2,500-3,000 के करीब मतलब बेनिफिट मुझे मिल जाता है. आज जहां शफीक अपने हुनर से बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, वहीं हीना अपने परिवार को चलाने में मदद कर रही हैं. कहते हैं ना, चाहतें बड़ी हों तो मंजिलें खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं. सिद्धार्थ जी, आपको पता है एक ऐसी गाड़ी भी है जिसमें आप सफर भी कर सके और रह भी पाए, एकदम 2-in-1. हाँ 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 जी हाँ जी हाँ हाँ पता है ना? पता है. हाँ हाँ, शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में उसका उपयोग भी तो किया था. अरे क्या कहते हैं उसे, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा. नहीं जी, मैं समझ गया हूँ, आप बहुत चालाक हैं, माफ कीजिए. आप तो मेरे मुंह से पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं. बताइए ना, क्या है सही जवाब? अच्छा चलिए, सही जवाब है कैरवैन. कारवां से आता है कैरवैन. पिछले हफ्ते का सवाल था कि वो कौन सा घर है जो पहियों पर चलता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैरावान. कैरावान का इस्तेमाल अमूमन आज वो लोग करते हैं जो लंबी रोड जर्नी करते हैं. कैरावान एक कार तो है, पर इसमें घर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद रहती हैं.
पहले खाना बदोश और बंजारे अपने साथ ऐसी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी लेकर चलते थे जिनमें वो रह भी सकते थे, और इसी कॉन्सेप्ट से कैरावैंस की शुरुआत हुई। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कैरावैन शब्द उर्दू के कारवां से बना है। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर है उड़ीसा कटक की शताब्दी प्रियदर्शनी। वहीं राजकोट से नीता मेहता लिखती है, मैं ये शो हर रविवार देखती हूँ। इस शो की वजह से मुझे होटल मैनेजमेंट और सर्विसिंग कोर्स के बारे में पता चला और मेरे बेटे ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया है। ज्वेलरी के एपिसोड के बाद इस टॉपिक पर सवाल तो बनता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज का सवाल है, अपने को सुंदर बनाने के लिए हम अपने आप को आभूषणों से सजाते हैं, पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी कीमती चीजें आवश्यक हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोना और चांदी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ऊपर के सभी। आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद है रेणुका जी? इसका जवाब तो हर लेडी एक ही तरह से देगी। वो क्या? हर तरह की ज्वेलरी। माय गुडनेस। तो चलिए, गिफ्ट में आप हर तरह की ज्वेलरी चाहते हैं और साथ साथ आपने बहुत ही बढ़िया हिंट भी दे दिया है। ऑल द बेस्ट। अपने जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 70 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। अगर आप कोर्सेज और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप 0880055555 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम की गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे FB मतलब फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानी और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 0880055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्किल्स का भी कोई कंपटीशन हो सकता है? जी हाँ, जैसे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही दुनिया में एक दो नहीं बल्कि 47 स्किल्स जैसे प्लम्बिंग, हेयर कटिंग, कुकिंग से लेकर वेल्डिंग, ज्वेलरी मेकिंग तक का वर्ल्ड कप होता है, जिसे वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों से स्किल्ड हुनरबाज वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत भी पिछले कुछ वर्षों से इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता आ रहा है। इसके लिए NSDC देश भर में रीजनल लेवल पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करके स्किल्ड हुनरबाजों को चुनकर उन्हें वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में भेजता है। हमारी जो तकदीर है ना, हमारे हाथ में लिखी होती है। आज आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथों से ऐसे कंपटीशन जीत करके अपने तकदीर बदल रहे हैं, तो ये एक परिवर्तन है जो पूरे देश में फैलना चाहिए और देश को जो इंडियन जो कारीगर और इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे विश्व में एक तरीके से मशहूर होंगे। जयपुर, कोलकाता और त्रिशूर में ज्वेलरी मेकिंग के रीजनल राउंड्स के बाद मुंबई के IIGJ में NSDC द्वारा आयोजित ज्वेलरी मेकिंग के आखिरी राउंड में देश भर से 12 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए गए। इन महारथियों को यहां बनाना था एक सिल्वर पेंडेंट जिसकी डिजाइन इन्हें दी थी NSDC ने। वक्त था इनके पास 16 घंटों का और काम वाकई कठिन, पर कम वक्त में अपना हुनर साबित करना, यही तो असली हुनरबाज की पहचान है। ज्वेलरी के डोमेन में 4 मूल स्किल्स जो होती हैं वो टेस्ट की जाती हैं, जिनमें स्किल ऑफ पियर्सिंग, स्किल ऑफ सोल्डरिंग, कन्फॉर्मेंस टू फॉर्म एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी।
मिस्टर अमित कुमार यादव इज द रनर अप. थोड़ा सा चल के आजा मचल के आजा तू कर ले आ कर ले तू आगाज. 12 हुनरबाजों में से इस राउंड को क्लियर किया दो सबसे बड़े हुनरबाजों ने, जिनकी टक्कर होगी बाकी रीजनल राउंड्स के हुनरबाजों से 20 जुलाई 2014 को मुंबई में होने वाले फाइनल राउंड में, जिसमें से दो विजेता चुने जाएंगे और एनएसडीसी के एक्सपर्ट द्वारा इन्हें दी जाएगी 10 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग और इन्हें तैयार किया जाएगा वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो होगा ब्राजील के साओ पाउलो में. हम ये चाहते हैं कि इस देश को एक गोल्ड मेडल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से मिले. हुनरबाज की टीम की ओर से सभी सिलेक्ट हुए प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मोहताज है पहचान का तो आपके पास एक मौका है. अगर आपकी उम्र है 21 साल से कम और आप में है हुनर ज्वेलरी मेकिंग का, या फिर आप अपने हुनर से ब्यूटी इंडस्ट्री को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, क्या अगर आप में स्किल है खाना बनाने का, तो ऐसे ही ढेरों स्किल्स में से अपने हुनर को पहचानने के लिए पार्टिसिपेट करिए वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में. और अगर आप इंडिया में जीत गए तो आप जाएंगे ब्राजील वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप के लिए. ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. तो वैसे सनी, ये बताओ कि तुम्हें आज का हमारा ये सेविंग वाला एपिसोड कैसा लगा? सेविंग वाला? हाँ. पर ये एपिसोड तो ज्वेलरी वाला था ना? सनी, ज्वेलरी खरीदना भी तो एक तरह की सेविंग ही है ना? तुमने देखा नहीं पुरानी हिंदी फिल्म्स में मुश्किल वक्त में कैसे हीरो की माँ हीरो से कहती थी कि ये ले बेटा, ले जा मेरे सोने के कंगन और भर दे अपने कॉलेज की फीस. हाँ, you are right. I am sure इस खूबसूरत ज्वेलरी इंडस्ट्री को ज्वाइन करके आप में से कई सारे लोग अपने करियर को चमका सकते हैं. तो बस यूं ही चमकते रहिए और देखते रहिए हुनरबाज स्किल टू विन. तो मिलेंगे अगले हफ्ते कई नए करियर ऑप्शंस के साथ. तब तक के लिए करिए हमारा इंतजार और रखिए अपना ख्याल. और हाँ, सेविंग्स करना मत भूलना. अगले 10 सालों में हमको चाहिए अंदाजन 8.5 लाख डॉक्टर. अगले हफ्ते जानेंगे एक ऐसे सेक्टर में उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो लोगों को जिंदगी देता है, यानी मेडिकल सेक्टर. जिंदगी में न जाने कितने ही लोग दवा के अभाव में लाइलाज बेमौत मारे जाते हैं. साथ ही देखेंगे कैसे मिहिर फाउंडेशन बदलाव ला रहा है स्लम की लड़कियों की जिंदगी में. मेरी भी अपनी पहचान होगी और मैं भी अपने घर के लिए कुछ कर सकती. और हुनर की बाजी में होगी परख जिंदगी और मौत के बीच. जो चीज यहाँ पे मैटर करती है वो है किसी की जान बचाना. दीवार बनने वाले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के हुनर की. आजा चली आज उस राह पर हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी. गलत हुआ तो रंगीन चलिए फिर से. बिल्कुल सही कहा सनी तुमने. हुनर को पहचान कर ऑटो वाले को. आई विल नॉट गेट इनटू दिस. हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और एनएसडीसी.